हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स. कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में. रीडिंग व्यूवर जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है. जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, किसी एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं हो रही है. जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें. वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या है. ओके, सो वी हैव सम कार्ड्स फॉर यू. क्वीन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कॉइन, सेवन ऑफ कॉइन एंड द थ्री ऑफ कॉइन. ओके, सो यहाँ पे व्यूअर्स जो मेन एनर्जी गाइज निकल के आई है अभी फिलहाल राइट नाउ में, वो दिखाती है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या मकर राशि एरिस लियो सैजिटेरियस मेसिंग धनु राशि. आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय आपको अपनी लाइफ पे, जैसे ये अपने सेल्फ पर्पस पे, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हो, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हुआ देख रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपका बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है. ठीक है, आपसे बात करने के लिए उनको आपका वक्त नहीं मिल पा रहा है. वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं लेकिन इस समय आपके पास में उस पर्सन के लिए ही वक्त नहीं है. ठीक है, आप अपने मे बी अपनी स्टडी पे, मे बी अपने करियर पे, कुछ काम बनाने पे आप इतने ज़्यादा मतलब बिजी हो गए हैं. आपकी लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि आपके पर्सन को आपसे मतलब अगर कुछ बोलना है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है या फिर आपसे थोड़ी दो प्यार भरी बातें भी करनी है तो उनको वेट बहुत करना पड़ रहा है. आप उनको वेट बहुत करा रहे हो. तो समवेयर व्यूअर्स, आपके पर्सन को यहाँ पर ये लग रहा है कि आप अपनी इस समय लाइफ में अपने गोल पर, किसी गोल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो. ठीक है, ये गोल व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि आपको एक मुकाम बनाना अपनी लाइफ में. ठीक है, और आप उन चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हो, अपने काम को इन्जॉय कर रहे हो. समवेयर व्यूअर्स, आपके पर्सन मुझे इस तरह से देख रहे हैं. अच्छा, रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि अभी तो राइट नाउ आप इस पर्सन को, जैसे कि मैं ये नहीं कहूँगी आप उस पर्सन को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हो, पर आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको देख के उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना अब इस पर्सन से ज़रूरी कुछ और हो गया है. ठीक है, मे बी हो सकता है आपके हाथ में कोई भी रिसेंटली काम आया हो, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रोजेक्ट, कोई जॉब आपकी हो सकता लग गई हो किसी इंस्टीट्यूट में, या हो सकता है कि आपने मतलब एडमिशन लिया हो, कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है. और आप उन लोगों के बीच में, उस तरह के फ्रेंड सर्कल के बीच में या उन लोगों से कम्युनिकेट करने में ज़्यादा बिजी हो. तो आपके पर्सन को लग रहा है पता नहीं इस पर्सन के मन में चल क्या रहा है. ठीक है, क्या ये अभी भी मुझसे कनेक्टेड है या नहीं है, क्या मैं इसकी प्रायोरिटी हूँ इस पर्सन की, यानी आपकी लाइफ में अभी भी वो आपकी प्रायोरिटी है या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में. तो मैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड में देख रही हूँ आपको, जिस समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेडी या फिर एक पर्सन की तरह नज़र आ रही है. एक ऐसी एनर्जी जो कि दिखाई दे रही है, मतलब उसके लिए इस समय मतलब अपने आप को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, हो सकता है आपकी करियर में अभी कोई अप एंड डाउन आया हो. ठीक है, या फिर सडन आपकी अभी ग्रोथ एकदम से सडन स्टार्ट हो गई है. तो ये कुछ एनर्जी गाइज मुझे राइट नाउ फर्स्ट इंप्रेशन में नज़र आ रही है. और देख लेते हैं इस पर्सन के मन में और क्या है आपको लेके. कुछ लोगों की लग रहा है जैसे अभी रिसेंटली कोई जॉब ही लग गई है. ठीक है, और देखते हैं क्या है इस पर्सन के मन में आपको लेके, क्या फील कर रहे हैं आपको लेके आपके पार्टनर. डेथ, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है. ओके, आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय आपको ना काफ़ी ज़्यादा बदलता हुआ देख रहे हैं. ठीक है, जो पर्सन एक समय था जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मतलब बहुत ज़्यादा पोलाइट नेचर का हुआ करता था, किसी बात की वजह से आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, ट्रांसफॉर्म हो गए हो. ठीक है, एकदम से स्ट्रेट टू द पॉइंट आना, स्ट्रेट फोकस बात करना, किसी बात ने आपको चेंज कर दिया है.
यहाँ पर आप एक मुझे मस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा नज़र आ रहे हो, जिसमें आप किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपने काम से मतलब रख रहे हो, ठीक है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, यहाँ पे व्यूवर्स मैं ऐसी एनर्जी में आपको देख रही हूँ, जहाँ पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपको अच्छे अच्छे तरीके से देखते हैं, अच्छे नज़र से देखते हैं, बुरे नज़र से देखते हैं, मतलब आपका किस रूप को वो अप्रिशिएट करते हैं। आपको सिर्फ मतलब इस समय अपने अपनी लाइफ से है, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने से है। अब आपने फिक्र करना छोड़ दिया दुनिया की, लोगों की, समाज की, फैमिली की, कि मतलब जो वो काम कर रहे हैं आप उस काम को लेके, या फिर जिस रिश्ते में आप हैं उसको लेके लोग क्या बातें बनाते हैं, ठीक है। तो इस समय आपकी पर्सनैलिटी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है समवेयर, ठीक है। आप दोहरे व्यक्तित्व के पर्सन हैं इस वक्त। कभी कभी तो आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके पर्सन भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इतने ब्यूटीफुल हो जाएंगे आप। और समटाइम आपका जो दूसरा रूप है, मतलब एक तरह से देखा जाए क्वीन ऑफ वैंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड, मतलब दो मतलब एक ऐसा चेहरा जो बदल जाता है वक्त के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और जो भी लाइफ में उस समय सिचुएशन चल रही होती है उसको आप बहुत ट्रांसफॉर्म कर लेते हो अपने आप को। लोग पहचान नहीं पाते हैं, आपके पर्सन भी आपको पहचान नहीं पाते हैं, कब आपका मूड अच्छा है और कब आपका मूड एग्रेसिव है, कब आपसे बात करना सही रहेगा, कब आपसे बात करना सही नहीं रहेगा, कब आप क्या कर जाओ इस पर्सन को समझ में नहीं आता। तो राइट नाउ व्यूअर्स, इस पर्सन के जो दिमाग में ना मुझे बहुत सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं आपको लेके, आपके पर्सन आपको ये सब मतलब जता नहीं पा रहे हैं, फील नहीं करा पा रहे हैं दैट कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको प्यार मतलब हो सकता है कि भाई अपना जो प्यार है वो आपको दिखाना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, या समवेयर आपको फिर से फील कराना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स को शेयर करते हुए भी मुझे यहाँ पे डर वाली जो एनर्जी उसमें नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। आपको सुन के बड़ा अजीब लग सकता है लेकिन यस, मुझे आपका एक चेहरा बहुत ही अलग तरीके से नज़र आता है, जो समटाइम बहुत अट्रैक्टिव है, समटाइम बहुत ज़्यादा डर लगता है जिससे कि, ठीक है। तो आप उनको कोई बात आप ऐसी कर देते हो जिससे ये पर्सन आपके साथ में ना अपनी फीलिंग को शेयर करते करते रुक जाते हैं, कुछ तो आप ऐसा बोल देते हो कि भाई मुझसे जो बात करो ना संभल के बात करो, मेरी भी एक इमेज है, मेरी भी एक अपनी जैसे मर्यादा है, आप उसको क्रॉस ना करो, आप फ्लर्टी नहीं हो रहे हो, ठीक है। समटाइम उनको लगता है कि आप फ्लर्टी हो रहे हो, लेकिन जब जैसे ही वो आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, आपका नेचर देख के वो एकदम से सहम जाते हैं, आपके पर्सन रुक जाते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अचानक इसके मूड को क्या हुआ, डरते हैं आपसे फ्लर्ट करते हुए आपके पर्सन, मतलब आप एक ऐसी पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है जो बीइंग जो रिस्पेक्ट यहाँ पे कमांड कर रही है, ठीक है। कि मतलब मजाक भी करना ना मेरे साथ में तो एक लिमिट में करना, इससे ज़्यादा मत बढ़ना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो कि मेरी इमेज का तुम मजाक बनाओ, मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाओ, मेरी बातों का मजाक बनाओ, ठीक है, या फिर एक लिमिट क्रॉस कर जाओ, तो ऐसा आप नहीं चाहते। आप यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को आपने डरा के रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन व्यूवर्स आपके नेचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, और समवेयर आपसे पर्सन जो होंगे ना आपके, वो काम की बातें करना ज़्यादा इस समय प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उनके साथ में ऐसे ही कुछ अपने में भी हो सकता है, काम को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम आप अपने पर्सन से डिस्कस कर रहे हो, मे बी अपने काम को लेके अपनी ज़्यादा बातें आप शेयर कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मैं ये काम कर रही हूँ, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे करियर में ये चीज़ें हो रही हैं। तो समवेयर आपके पर्सन को लगता है कि यार इस पर्सन की लाइफ में सिर्फ क्या काम ही काम, इसकी प्रायोरिटी है फीलिंग्स और सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इस पर्सन की प्रायोरिटी नहीं है क्या, कि ये व्यूअर्स आपके पर्सन को लग रहा है। जैसे कि वो आपकी तरफ, जैसे कि आपको अगर आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपका नेचर से देख के, आपकी फीलिंग्स को देख के, आपकी बातों को सुन के वो पर्सन अपने कदम पीछे खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उनको लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि वो आपसे ये सब बातें करें, क्योंकि समवेयर वो बातें करने की कोशिश करते हैं पर आपका शायद मे बी मूड ऐसा नहीं होता है, तो ये अपनी बातें अपनी अपनी फीलिंग्स को शेयर करते करते यहाँ पे आपसे रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मुझे यहाँ पे मैसेज आपके पर्सन की तरफ से मिल रहे हैं। चलिए कुछ चैनल मैसेज देखते हैं आपके पर्सन के। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं उनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या वो चैनल मैसेज इनको देना चाहते हैं, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में,
उनके ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन एंजल इन तक पहुँचाएँ। ओके आपके पर्सन वही मैंने बोला आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपको इस समय देख के, ठीक है, मतलब अपनी फीलिंग्स को नहीं शो कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं दिल में यार कितनी हसरतें हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी हसरतों को यहाँ पे मुझे दबाते हुए नज़र आ रहे हैं। आई वॉन्ट टू हीयर फ्रॉम यू, ये आपसे सुनना चाहते हैं आपके मन में क्या है, आप इनको लेके क्या फील करते हो, क्या आप इनको मतलब अपनी तरफ आकर्षित होने का या फिर आपसे कनेक्ट होने का मौका दोगे, आपके मन में इस पर्सन को लेके क्या चल रहा है, ये उन चीज़ों को सुनना चाहते हैं। पहले आपकी तरफ से देखेंगे एक्शन, जब आपको आपकी तरफ से इनको हिंट मिलेगा तब आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे। आपके पर्सन व्यूवर्स आपको एक ऐसा पर्सन देखते हैं जो कि मतलब एक परफेक्ट पर्सन भी है, जिसको पा के अगर ये आप इनके लाइफ में आ जाओ, ठीक है, आपको एज ए पार्टनर ये अपनी लाइफ में देखते हैं तो उनको एक ब्लेसिंग्स के तरह इस पर ये जो पर्सन है आपको लेते हैं। ओके व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, आप इनको क्यों नहीं समझ पा रहे हो, ये अपनी फीलिंग्स को आप तक एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, समटाइम इनको ये भी लगता है कि आप इस पर्सन को समझ नहीं पा रहे हो कि इस पर्सन के मन में आपको लेके है क्या, ठीक है, तो ये इस पर्सन के व्यूअर्स आपको लेके फीलिंग्स। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू, आई लव यू, तो आपसे ही आपके पर्सन प्यार बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी मन की बात नहीं बता पा रहे हैं, तो समवेयर यहाँ पे फियर फैक्टर है आपके पर्सन को आपसे। ट्राई टू ओपन अप, आप अपने पर्सन से ओपन अप होने की कोशिश करें, उनके साथ में थोड़ा सा एक जॉली नेचर या फ्रेंडली नेचर क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि वो आपको अपने दिल की बात बता सके, फील करा सके आपको यू आर ए स्पेशल पर्सन, ठीक है, और समवेयर नीड टू जो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं उसको कम करने की कोशिश करें, ये आपके पर्सन यहाँ से आपसे चाहते हैं, ठीक है। तो यह व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके सुबह, टेक केयर।